हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अडवानी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी साउथ गोवा में एक 5-स्टार डिलक्स रिसोर्ट फोन करती है जिसका नेम है कैडावेला बीच रिसोर्ट। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है, और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 370 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 21.3 की PE है, 18.5% है कंपनी की ROCE एंड 14% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी, डिविडेंड यील्ड 1.78% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 23.16 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 19.04 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 2.1 करोड़ की इनकम। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ तो दिखाई है, एंड उसके साथ साथ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ देखा जाए तो वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आई है। जून 2021 की क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने 10 गुना से भी ज्यादा इनकम जनरेट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 6.74 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था, मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ की लॉस। तो अगेन कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखा जाए तो कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे जनरेट किया है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की जो EPS है 1.46 की है, मार्च 2022 में ये थी 1.1 की एंड जून 2021 में ये थी -0.88 की। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक बहुत ही जबरदस्त EPS ग्रोथ दिखाई है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो EPS ग्रोथ है वो भी एक हेल्दी EPS ग्रोथ है किसी भी कंपनी के लिए। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर लेके रिजल्ट निकल के आई है वो काफ़ी बढ़िया है, एंड मैक्सिमम चीज़ें इस कंपनी में इंप्रूव हुई है, मैक्सिमम की सब कुछ सब चीज़ें इस कंपनी में इंप्रूव हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022, एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास 0 कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी डिटोरिएट होकर -1 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून के क्वार्टर में प्रमोटर्स ने बाइंग करी है, FIIs ने टोटली बेच के निकल गया इस कंपनी से, एंड अगर देखा जाए तो DIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक और बड़े रिटेलर ने भी एग्जिट किया है फ्रॉम दिस कंपनी। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 44.5% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देनी आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, क्योंकि आप लोग पैसा जब लगाओगे लॉन्ग टर्म के लिए तब वो 5 साल 10 साल के लिए पैसा लगेगा। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, बाकी अगर भरोसा नहीं है तो फंडामेंटल्स के बेसिस पे मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा अगर भरोसा नहीं है तो।
और अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 60.45 रुपीस के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और अगर बाई चांस ये कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 75 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। और अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी 85 ऑलमोस्ट 86 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रही है। तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 60 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 85 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट होगा 106 रुपीज़ का। और अगर सक्सेसफुली ये कंपनी इसके ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है 86 रुपीज़ की, अगर सक्सेसफुली ये कंपनी 86 की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने 86 के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग किया है उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 106 रुपीज। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।